हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश बसीन पे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि बजट के बाद यानी कि 5 जुलाई को जब बजट आया है, उसके बाद जब मंडे को मार्केट ओपन होगी तो किस तरीके से हमें ट्रेड लेना चाहिए। जिस तरीके से देखा था कि बजट का जब ऐलान हुआ था, उसके बाद हमने देखी मार्केट में गिरावट आई है, और वो गिरावट क्या और नीचे जा सकती है क्या? यहाँ पर हमने देखा था कि प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी, ये एक न्यूज़ की वजह से जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी बस वहीं तक ही सीमित है कि और नीचे जा सकता है। सो बैंक निफ्टी और निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस मैं पूरा डिटेल में लेकर आने वाला हूँ आपके साथ अगली वीडियो में, तो बने रहिएगा गाइस। अभी हम बात करने वाले हैं कि 8th of July को कौन से स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं बजट के अगले दिन जब मार्केट ओपन होगी, तो क्या रिएक्शन हो सकता है इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में। सो ये स्टॉक्स हैं जो आपको अगले दिन भी पैसा कमा के देंगे, यानी कि 8th of July को। सो बढ़ते हैं कौन से स्टॉक्स की तरफ। कोटक बैंक, रेपको होम, L&T फाइनेंस होल्डिंग, SRF, टॉरेंट पावर। कोटक बैंक बाय करने की सलाह दी जाएगी। अभी 1570 रुपये 17 पे चल रहा है, तो 1505 या 1510 पे अगर आपको मिलता है, 1505-1510 के आसपास अगर आपको मिलता है ये इंट्राडे पे, तो आप बाय करके चल सकते हैं। टारगेट 1525-1534 तक के भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोटक बैंक के अंदर। स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना होगा वो 1492 का मेंटेन करना होगा कोटक बैंक के अंदर। रेपो फाइनेंस बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको इस पर, 379-384 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 376 का लगा के चलना पड़ेगा। करंट मार्केट प्राइस जो है वो है 373। सो जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा 366 का। यहाँ पर आपको मिस प्रिंट दिख रहा होगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको जो रिवाइज करके रखना है वो 366 का रखना है। टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 379 के कर सकते हैं। L&T फाइनेंस होल्डिंग बाय करने की सलाह दी जाएगी, बहुत बढ़िया। इसने हमने देखा था कि एक ब्रेकआउट देखने को मिला लेवल से, 122 के लेवल से हमने देखा इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला। सो 124 पे इसकी क्लोजिंग हुई है, 121 का स्टॉप लॉस लगाना है ब्रेकआउट लेवल से 1 रुपये नीचे। 127-130 तक ये जाने की इसकी कैपेसिटी है। मुझे लगता है 2 दिन के अंदर ये टारगेट अचीव हो सकता है 130 तक का लेवल भी, उसके बाद हम अपनी नई फ्रेश पोजिशंस को इनिशिएट करेंगे। SRF सेल करने की सलाह दी जाएगी आपको। SRF में बहुत टाइम से शॉर्ट की सलाह दे जा रहा हूँ कि आपको SRF में अपनी पोजीशन जो है वो शॉर्ट की बना के रखनी है। मैं आपको बार बार बता रहा था कि अगर आप SRF में 3200 के लेवल से, मैं आपको शॉर्ट की पोजीशन कह रहा था, और 3000 का लेवल इसमें हमने देखा कि आते हुए देखने को मिल गया। अब गाइस, करंट मार्केट प्राइस जो इसका है वो 2980 का है। 3000 का एक इसका हम कह सकते थे एक ट्रेंड लाइन एनालिसिस अगर हमने जब करी थी, तो 3000 का जो इसका लेवल था वो एक सपोर्ट का काम कर रहा था, जैसे इसने इंट्राडे के अंदर ब्रेक कर दिया। हो सकता है कि ये दोबारा 3000 लेवल तक जाने की कोशिश करें इंट्राडे के अंदर कल। सो मैं आपको ये सलाह दूंगा, अगर ये थोड़े आपको इंट्राडे पे ओपन होते हुए हाई लेवल्स में मिलता है तो आप इसमें शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करिएगा। स्टॉप लॉस आपको 3003 का मेंटेन करना है। टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2965-2955 तक के भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टॉरेंट पावर शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी। टॉरेंट पावर पे आपको 296 का करंट मार्केट प्राइस है, 300 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 292-287 तक के भी टारगेट्स हम टॉरेंट पावर के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत वॉलेटाइल काउंटर है, तो इस पर आप कॉशियसली ट्रेड करिएगा। हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक दे दे, और अगर ये 300 रुपये के ऊपर निकलना शुरू करता है तो आपको अपनी पोजीशन इनिशिएट करके आप बाय पोजीशन में टॉरेंट पावर के अंदर इनिशिएट कर सकते हैं। सो 300 लेवल है जहाँ पर आपको ऊपर निकलता है तो बाय पोजीशन इनिशिएट करनी है, अगर उसके नीचे रहता है तो आप शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 287। गाइस, बजट आ गया, तो बजट की पूरी एनालिसिस अगर आपको समझ नहीं है कि उसमें ऐसे कौन से हाइलाइट्स थे, कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको समझने चाहिए, क्या बजट हमारे स्टॉक मार्केट के लायक आया नहीं आया, क्या फेवर में है कि नहीं है, सो पूरी एनालिसिस लेकर मैं आपके साथ अगली वीडियो में आने वाला हूँ। सो इस चैनल के साथ बने रहिएगा, और मैं आपसे मिलता हूँ कल नहीं अभी इस एक वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।